कि वाक़या करबला का उतना हिस्सा बयान करो जितना किसी दलील से साबित है। झूठ तो किसी आम बंदे की तरफ मंसूब करके बोलना भी नाजायज है बड़ा, और फिर अहले बैत अतहार की तरफ मंसूब करना, यानी आज तो माज़अल्लाह वो लफ्ज़ तो मैचों के लिए बोला जाता है, शहादत के उस वाक़या के मुनासिब नहीं, लेकिन ये जो इन लोगों ने बनाया हुआ जिस अंदाज में कि जैसे माज़अल्लाह डायरेक्ट कमेंट्री कर रहे हैं, साथ साथ खड़े थे, वो कितना बदबख्त रावी था जो देखता तो रहा मगर आगे बढ़ के उसने जान नहीं दी अहले बैत के लिए। जितना मुस्तनद ज़राए से है वो बयान करो, फजाइल बयान करो, कुरान बयान करो, सुन्नत बयान करो, घड़ घड़ के उनकी तरफ ऐसी चीज़ों की निस्बत ना करो कि कल वो तुम्हारे मुंह पे मारें कि ये तुम हमें क्या कहते रहे हो। असल ये रवाफिज ने सिलसिला शुरू किया और हमारे यहाँ ये दौड़ लगी हुई है कि जी अपने आवाम को मुतमईन करना है तो हम भी उन्हीं की तरह करें। अगर इस फलसफे पर चलते रहो तो वो तो बड़ी तरक्की कर गए हैं बेहयाई में, बड़े जरी हैं अहले बैत अतहार के बारे में। उनके जलसों में तो अहले बैत की मुताहरात ख्वातीन बना के धक्के मारे जाते हैं। क्या तुम भी कल ये काम करोगे? वो तो कुफर बकते हैं, कुफर बोलते हैं और ड्रामाई अंदाज में फिल्माते हैं इस वाक़े को। तुम लफ्ज में तसव्वुर पेश करते करते दौड़ में तो कल कहोगे अब लोग ये तो सुनते ही नहीं कि लफ्ज़ों में ये हमें बताना पड़ेगा कि ये यजीदी खड़े हैं, ये हुसैनी खड़े हैं, ये जंग होने वाली है और मजमा देख रहा है। खाकम बदहन ये नौबत आ जाएगी अगर आज स्टैंड ना लिया गया। हमारे जहाँ पहले 10,000 दुश्मन हैं, 20-25,000 और हो जाएंगे। हमें अल्लाह ने इस कदर इत्मीनान दिया है कि अपनी पॉपुलैरिटी और मकबूलियत को बचा बचा के रखने की कोई फिक्र ही नहीं। बिगाड़ मैं देख रहा हूं, अब कुछ चैनलों पर कुछ संजीदा लोग भी पीछे आग की थोड़ी छोटी वो अंगीठियां रख के और धुआं और ये और वो यहां तक तो पहुंच आए हैं। अब आगे घोड़े दौड़ाना और किसी पे यजीद को बिठाना, किसी पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाना और यूं दिखाना, इसकी तरफ सफर जारी है। खुदारा उलमाए अहले सुन्नत आज स्टैंड लो। तुम्हारा ये काम नहीं कि अवाम की मानो, तुम्हारा ये काम है कि अवाम को हक मनवाओ। अगर अवाम का देखना है, कई कमेटियों में लोग बैठे हैं जलसा कराने वाले, कई तंजीमों में बैठे हैं, कई महलों में बैठे हैं और कई वजीफा खोर हैं रवाफिज के जो उस तरह के कलाम पढ़ते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, खुद रब्बे जुल जलाल की तौहीन है और नाम उसका मोहब्बत अहले बैत दिया गया है। इस वास्ते किताब से हट के, किताब भी मुस्तनद ये नहीं है कि कहो अल खतीब में लिखा है, अल मवाइज में लिखा है या मुस्तनद हवाला मैंने आप पढ़ा है। यहां हक तो बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है। उस दश्त से कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, पेड़ों से जहां किरने छिन के नहीं आती, तो उस गली में दाखिल क्यों होते हो जहां अगला रास्ता मालूम ही नहीं है। ठीक है, तरन्नुम से बोल लो, अशार शरीयत के जो मुताबिक है वो पढ़ लो, मगर बैनों वाला अंदाज ना अपनाओ। चूंकि सेम वही सूरत आ रही है और उसमें आगे कोई दीवार नहीं कि रुक जाओ। जो आए हैं आज यहां कहीं आगे चले जाएंगे 2 साल बाद। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है।